प्रतिलिखित परीक्षा जूनियर और सामान्य दिन की सीरीज में एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। यह सीरीज ई लर्निंग पे दुर्गेश पर राष्ट्रहित में देशहित में आप सभी के लिए निःशुल्क है, क्योंकि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है और अगर आप जूनियर या प्राइमरी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। सामान्य दिन की सीरीज को हम लोग केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम इनके सभी प्रश्नों को तोड़कर हम इनकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न के साथ हम लोग 8 से 10 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। और आप लोग इन लर्निंग विद दुर्गेश की चाहे फेसबुक पेज पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस अपने साथ में कॉपी और कलम रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे की पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको साथ साथ लिखते चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, शायद आप सभी को इस प्रश्न के बारे में पता हो, इसकी व्याख्या हम आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए अब लोग सवालों के जवाब दीजिएगा कि प्रकाश रेडियो तरंगे तथा यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, बताइए आपके सामने प्रश्न है कि जो प्रकाश रेडियो तरंगे तथा यक्ष किरणों किस प्रकार की तरंगे होती हैं। आइए इस विषय का उत्तर हम लोग जानते हैं। प्रकाश रेडियो तरंगे यक्ष किरणें, जी हाँ आप लोगों ने एकदम सही बताया, विद्युत चुंबकीय होती हैं। दो दोलायमान विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक बहुत लंबा आवृत प्रकाश होता है जो 10^5 हर्ट्ज कि रेडियो तरंगों से कम आवृत्ति से लेकर 10^20 हर्ट्ज की गामा किरणों से भी अधिक आवृत्ति तक होती है, यह बात आप लोग को शायद ज्ञात होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं कि सर नाभिकीय तरंगे क्या होती है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जब परमाणु का नाभिकी एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर स्थित होता है तो इस प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती है, यह सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरणें होती हैं। अब कि चुंबकीय अनुनाद क्या होता है, चुंबकीय अनुनाद क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं कि चुंबकीय नाभिकों का एक विशेष गुण है, चुंबकीय नाभिकों का एक विशेष गुण है मस्तिष्क का चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, जिसे हम MRI कहते हैं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगर भूकंपी तरंगे की बात करें तो भूकंपी तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतहों पर चलने वाली एक ऊर्जा की तरंगे होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर की मैग्मा को हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानव के विस्फोटों से भी उत्पन्न होती है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह ए, इस विकल्प का सही जवाब होगा। आप लोग जैसे इस वीडियो में जुड़िएगा अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, अब की बार एक सीट हमार। अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की फोकस लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है। जूनियर, साइंस, आर्ट सबके लिए है, बताइए। एक प्रश्न आया, सबसे बड़ा घोंसला कौन पक्षी बनाता है, चील बनाता है, बताइए। लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। आंख के लेंस की फोकस लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाक से कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। देखिए आइए, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम इस प्रश्न को आपके सामने व्याख्या करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर स्लियोरी स्नायु के द्वारा देखिए, आंख के लेंस फोकस लेंथ में बदलाव स्लियोरी स्नायु की वजह से होता है। आंख के अंदर जो प्रकाश आता है वह केवल कार्निया तथा लेंस के माध्यम से आता है। यहां से आगे की ओर पेशियों का एक समूह होता है जिसे हम सिलवरी कहते हैं, जी हां जिसे हम सिलवरी के नाम से जानते हैं।
यह पेशी दो भागों में विभक्त होती है, एक भाग लेंस के ऊपर और दूसरा भाग लेंस के नीचे होता है। ऊपर वाले भाग को आयरिस तथा नीचे वाले भाग को विलंबन स्नायु कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह डी का राइट आंसर होगा। अब की बार नौकरी हमार। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो इस वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर 360p कर लीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप लाइव देख रहे हैं। दूसरा, रबड़, शीशा और प्लास्टिक अच्छे हैं किसके? वाहक, जनरेटर, विद्युत चुंबक, विद्युत रोधक। बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लाइव फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चल रही है। तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए, रबड़, शीशा और प्लास्टिक जो है ये सभी विद्युत के रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी विद्युत के रोधक होते हैं। इसे हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जिनमें से होकर सामान्य स्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जैसे प्लास्टिक, शीशा, रबड़, सूखी लकड़ी, बैकेलाइट, एस्बेस्टर, चीनी मिट्टी, कागज, पीसीबी आदि जो होते हैं, ये सभी विद्युत के रोधक का काम करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी को एक तरफ से नमस्ते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सभी साथी जो लोग इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक करने के बाद पहला काम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों कमेंट करके बताइए किस धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, उसको काटने के लिए एक तो पोटेशियम होता है, लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हो तो, पोटेशियम होता है। दूसरा लिथियम होता है, जी हाँ लिथियम होता है। तीसरा सोडियम होता है। तो ये इन धातुओं को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोचिए कितना आसान प्रश्न था। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए चाकू से काट सकते हैं, धातु को चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम भी आपका उत्तर आता सही रहता, लिथियम भी सही है, ठीक, फिर सोडियम भी सही है। माने इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला है आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूं यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, द्रव अमोनिया, इनका उपयोग क्या क्या होता है, एक एक करके हम मिलाते हैं। देखिए, एसीटोन का उपयोग जो नाखून के पॉलिश के अपसारक के रूप में किया जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम अग्निशमन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड ये घावों की जो मरहम पट्टी है उसके रूप में, जबकि द्रव अमोनिया जो है वो प्रशीतक का काम करती है। इसलिए आप लोग को यहाँ से चार प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। ठीक है, एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन के लिए, हाइड्रोजन पराक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में। ठीक है, आप लोग क्या वीडियो को शेयर करेंगे अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां भी आप लाइव हैं? यार वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास देशहित में राष्ट्रहित में निःशुल्क है। अब की बात एक्सिट हमार, इनमें क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, चलिए देखिए, इसमें विटामिन B12 होगा। विटामिन B12 जो होता है यह आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। अगर इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो क्या कितने लोग को पता है इसका, बताइए सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम किसी को पता है?
साइनोकोबालमिन, साइनो कोबालमिन ये B12 का रासायनिक नाम है जो जल में घुलनशील है। इस विटामिन में कोबाल्ट होता है। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से खून का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौधी नामक रोग होता है? इन तीनों का जवाब जो लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वो जो लोग कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं अब की बार एक सीट हमार, हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधन क्षमता विकसित करता है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप भी तो रेस के घोड़े हैं। अब की बार नौकरी हमार, कर हर हर मैदान फतेह। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। निम्न में कौन शरीर में प्रतिरोधन क्षमता विकसित करता है? जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से। देखिए अगर ये पूछा जाए तो है एंटीबॉडी। आप लोग कहते हैं ना एंटीबॉडी ले लीजिएगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। यदि शरीर में कोई जीव, विष, जीवाणु या कोई हानिकारक पदार्थ घुस जाए तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए एंटीबॉडी, इसे प्रतिपिंड भी कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिपिंड, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। एंटीजन के सीरम में रहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को ही एंटीबायोटिक कहते हैं। यह बात आप सभी लोग को अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है अगला बताइएगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उम्मीद है सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। बताइए कौन सा एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ दिए गए प्रश्नों का भी जवाब आप सभी को देना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो पहले से ही देश के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। चलिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका होगा वायरस से होता है हिपेटाइटिस। क्या होता है? हिपेटाइटिस नामक जो रोग होता है वो एक वायरस के द्वारा होता है। आइए इसके विषय में हम जानते हैं। हिपेटाइटिस को हम पीलिया रोग भी कहते हैं। इसे हम पीलिया रोग भी कहते हैं, जो किसके द्वारा होता है? यह वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, पोलियो, रेबीज, एक्स, मम्स, ये सभी किससे होते हैं? सभी ये जो रोग हैं ये आपके वायरस के द्वारा होते हैं। लिखना चाहें लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी लिख दे रहा हूँ वायरस से, नोट्स आपका बढ़िया बन जाएगा। होने वाले यार, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए यार, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है, पता है एक एक क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ताकि जो साइंस वर्ग के हों, कला वर्ग के हों, हमेशा आपको नया प्रश्न मिले। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, बस लोगों को शेयर कर दीजिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठे हों तो लिखते चलिएगा। इसमें क्या होगा? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स लिख लीजिए भैया, और नहीं शेयर करना है तो क्या कर सकते हैं हम, मैं तो मेहनत करूंगा भैया। चिकन पॉक्स, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, कर भला तो हो भला। जुकाम, ये सभी क्या होता है? वायरस से होता है। ठीक है, मम्स, कोरोना, ठीक, पोलियो,
एड्स, रेबीज आदि, ये सभी जो आप रोग देख रहे हैं ना, ये सभी रोग किससे होते हैं? वायरस जनित रोग हैं। माने ये सारे रोग कैसे होते हैं? वायरस से होते हैं। इसलिए अगर आप इलरी में दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। अभी अन्य चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताना जरूर चाहूँगा। जैसे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे पूछा है कि बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा कौन कौन रोग होता है, तो मैं उसके भी लिखवा दे रहा हूँ। जीवाणु लिख लीजिएगा कि जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीवाणु के द्वारा कौन होता है? पैराडिप्थीरिया होता है। लिख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि प्रश्न देखिए आजकल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो बड़ी ही घुस घुस के पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सीरीज को पढ़ें तो सिलेक्शन आपका पक्का हो। डिप्थीरिया होगा, छह टीबी रोग, ठीक है, निमोनिया, निमोनिया है, प्लेग है, जो हाँ चूहे गिरने से होता था, टिटनेस है, ये सभी किससे है? जीवाणु जनित रोग है। कालरा है, कुक्कुर खांसी है, जुकाम अलग है, खांसी अलग है, याद रखिएगा। कुछ लोग जुकाम खांसी को कहीं कह देते हैं। फिर है आपका टाइफाइड है, राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइफाइड है, गोनोरिया है, गोनोरिया है, ठीक, अतिसार, पेचिस, इसे हम डाइसेंट्री कहते हैं, डाइसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया? जो लोग इलेनी भी दुर्गेश पे लाइव देख रहे थे, देखिए मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना था। जबकि मलेरिया, ध्यान दीजिएगा, मलेरिया, प्रोटोजोवा लिख लेना, एक और लिख दे प्रोटोजोवा, यहाँ पे लिख देना प्रोटोजोवा, सभी लोग लिख लीजिएगा प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा से कौन कौन होता है? देखिए कालाजार, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, एक प्रश्न यहां से फिक्स है आपका, मलेरिया, पेचिश, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, पेचिश, एक पेचिश है, एक अतिसार पेचिश है, ध्यान दीजिएगा, पेचिश है, अमीबीता है, अमीबीता, ये सब प्रोटोजोवास होते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट कर लें। जी हाँ, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप लोग ने इसकी लिख लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए मैं उसको दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। देखिए कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो हिपेटाइटिस, जिसे पीलिया रोग कहते हैं, ये वायरस से होता है। वायरस से होने वाले अन्य रोग हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, मम्स, कोरोना, पोलियो, एड्स, रेबीज, ये सभी वायरस जनित रोग हैं। जबकि जीवाणु जनित रोग हैं डिप्थीरिया, क्षय रोग जिसे टीबी रोग कहते हैं, निमोनिया, प्लेग, टिटनेस, कालरा, कुक्कुर खांसी, टाइफाइड, गोनोरिया, अतिसार पेचिस, जिसे हम डाइसेंट्री के नाम से जानते हैं। जबकि प्रोटोजोवा जनित है, क्या है? कालाजार, मलेरिया, पेचिस, अपबीता। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क से चलती है। अभी की बार नौकरी हमार, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, पहले साइंस के प्रश्न चलेंगे क्योंकि ये जूनियर साइंस और कला वर्ग दोनों के लिए सामान्य दिन की सीरीज है। चाहे प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर के लिए कर रहे हो, सबके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है। तो जल्दी से बिना देरी के कमेंट करके बताइए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों,
कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये एक दिशा में ही प्रवाहित होने देती है। जितने साथियों ने इस प्रश्न का विकल्प ए बताया था उन सभी का ए सही है। जी हाँ, कोरोना से जुड़े एक दिन प्रश्न लेकर आएंगे, सारे तथ्यों को हल करा देंगे, ठीक है। दूसरा, डायोड वो प्रवाह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में ही प्रवाहित होने देती है। इसके अलावा एसी को डीसी के रूप में बदलने के लिए दृष्टि कार्य परिपथ में प्रयोग की जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा जो प्रश्न आपको बेहतर लगे, क्योंकि मैंने बताया ना रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। कोबोल कंप्यूटर की एक भाषा है, मैंने आपको बताया था इतिहास भूगोल संविधान इन सभी की सीरीज कंप्यूटर अर्थशास्त्र विज्ञान तीनों विज्ञान उत्तर प्रदेश स्पेशल इन सभी का पूरा पूरा मिश्रण है जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप हैं रेस के घोड़े और आप रेस में अच्छे लगते हैं। तो जल्दी से बिना देरी के कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब की बार नौकरी हमार, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए आइए, अगर हम कोबोल की बात करें, जी हाँ, कोबोल का फुल फॉर्म किसी को पता है? लिख लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह व्यावसायिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हमने इसके पहले इसके बारे में पढ़ाया था। ये व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। इस भाषा को एक समूह के वाक्यों में लिखा जाता है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ को मिलाकर एक सेक्शन तथा सेक्शनों को मिलाकर डिवीजन कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको मिलाना है यहाँ पर। अब हम साइंस के प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं सामान्य अध्ययन की तरफ। अब हम आर्ट के सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुंभा परुषणी सदानीरा शतुद्री। तो जो कुंभा है ये कहां पर है? ये काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान में है। परुषणी ये रावी, सदानीरा इसे हम गंडक को कहते हैं, फिर शतुद्री सतलज को कहते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था जिसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर भी केवल मिलान करना है यहां से चार चार, क्योंकि आजकल प्रश्न के ट्रेंड बदल रहे हैं, अब नए नए तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक किया है? अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके काम का है तो प्लीज लाइक करने के बाद जरूर शेयर करिएगा, देश हित में राष्ट्र हित में। यहां पर जाली का प्रकार उत्खनन है, इसका ये है IIEM व्हीलर सिद्धांत पर। अस्तर विन्यास जो है थॉमस जेफरसन का सिद्धांत है। रेडियो कार्बन तिथि का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह डब्लू लीबी पद्धति है। कौन सा? डब्लू लीबी, लेकिन पिट रिवर्स पद्धति त्रियामी मापन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? अब यहां से आपका भारतीय इतिहास शुरू हो चुका है। यार पैसा नहीं कटेगा, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरा सपोर्ट आप करेंगे, हम आपका करेंगे, और तभी आप सिलेक्शन के और नजदीक पहुंचेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। बताइए से पहले फटाफट कमेंट करके, जो भी साथ इस वीडियो को निःशुल्क लीला निबंध दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? देखिए सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन जाबा लोक निषद में मिलता है। आइए देखते हैं वो चारों आश्रम कौन कौन सा है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ये चार आश्रम है, इनमें चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, ठीक, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ वानप्रस्थ इनको 25 गुणे 4 ये 100 वर्षों को
हिंदू धर्म के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, यहां जाबालोपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? एकदम यूनिक प्रश्न है, मैंने आपसे वादा किया था प्रतिदिन हम नए प्रश्न लेकर आएंगे, जैसा कि आज फिर आपके सामने एक नया प्रश्न मिला है जिसका नाम है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को निशुल्क लाइव ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे चाहे यूट्यूब पे, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए अगर आप नहीं बताते हैं तो हम ही आपको बता रहे हैं। देखिए कश्मीर का सभी लोगों ने एकदम सही बताया है, जैनुल अबिदीन को कहते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, जैनुल अबिदीन को कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अफजल कहते हैं। इनका मूल नाम किसी को पता है? जैनुल अबिदीन का मूल नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है? कोई जानता हो कमेंट करके बताएं। इनका मूल नाम शाही खां था। क्या नाम था? शाही खां था। इसे अपनी उदार नीति के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मूल नियंत्रण व्यवस्था करने के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। इसे इसके एक उपनाम है, एक इसका उपनाम है कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। लिख लीजिएगा कश्मीर का, जो लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे लिख लेंगे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। देखिए मुझे पता था, मैंने आप लोग को लिखवा दिया। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। किस कारण कहते हैं? मूल नियंत्रण के कारण, मूल नियंत्रण व्यवस्था कारण, जबकि उदार नीति के कारण इसे हम कश्मीर का अकबर कहते हैं। उदार नीतियों के कारण हम इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसका मूल नाम शाही खान था और इसे जैनुल आबिदीन कहते हैं। कश्मीर का जलाउद्दीन खिलजी, इसे कहते हैं जैनुल आबिदीन को कहते हैं, और इसने मूल नियंत्रण किया था। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, सबको, क्योंकि यह क्लास केवल इलेनी विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, बाद में इसे नहीं देख पाएंगे, इसलिए सब लोग 9:30 बजे लाइव आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना? चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को कश्मीर का जैनुल अबिदीन कहते हैं, कश्मीर का अकबर जैनुल अबिदीन को कहते हैं, जिसका मूल नाम शाही खान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए कृष्णदेव राय ने अपनी प्रसिद्ध अमुक्तला माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में किया था। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। इनकी प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंश चरितावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में मिलती है। मतलब किसकी? कृष्णदेव राय की। अन्य प्रमुख अगर पुस्तक की बात करें कृष्णदेव राय की, तो एक इनकी पुस्तक है वंश चैतावली। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, वंश चैतावली। ये दो भाषा में है। ये कितने भाषा में? दो। मतलब पहले तो ये तेलुगु में है, जो आपको पता हो गया, लेकिन तेलुगु के साथ साथ ये संस्कृत में भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसकी? कृष्णदेव राय की एक प्रसिद्ध रचना है वंश चैतावली। ठीक है, वंश चरितावली तेलुगु प्लस संस्कृत में है। अगर हम देखा जाए तो प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन को अप्रामाणिक उपन्यास आंध्रघोष लिखा है। क्या लिखा है? आंध्रघोष लिखा है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अष्ट दिग्गज। एक प्रश्न आता है, सभी लोग जरा कमेंट करके बताएं अष्ट दिग्गज किसे कहते हैं? तो अष्ट दिग्गज जो थे वो किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा के कवि थे। ये कवि थे किस भाषा के? तेलुगु। ये तेलुगु भाषा के कवि थे। ठीक है, किनके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। सोचिए कितने प्रश्न आपको यूनिक मिले हैं। पहला प्रश्न मिला
अमुक्ताया माल्यद तेलुगु भाषा में रचना थी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी। वंश चैतावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में इनकी रचना है, लेकिन तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज कहते हैं। अगर आपकी प्रश्न आ जाए, वीडियो साफ चल रहा है लाइव एकदम, कि पूछा जाए कि अष्टदिग्गज किसके दरबारी कवि थे, तो कृष्णदेव राय के थे। कवि थे, कैसे थे, तेलुगु भाषा के, समझ में आया सब लोग को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मेरा निवेदन है आपसे फिर कि वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। जब आप लोग दिल से सहमत हो जाइएगा, इससे बेहतर इलनी भी दुर्गे से बाहर आपको अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जीएस की सीरीज। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था, उसे क्या कहते थे। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, चलिए आइए एक एक करके इनके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। ठीक, देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था, उसे क्या कहते थे। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सभी लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत, कुछ लोगों ने सही। इस प्रश्न का उत्तर है, सही बताया है, आयंगार। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता आयंगार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित करते थे, जिसके लिए शासन की 12 शासकीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इन 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगार कहते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा, सरकार द्वारा की जाती थी। ठीक है, किसी को अब कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दे। ठीक, बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए सभी लोग, नहीं बताएंगे। चलिए, अगर आप नहीं बताते हैं तो हम आपको बताते हैं। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से बिना देरी किए फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके लाइव जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर आप इलनी भी दुर्गे से जुड़े हैं तो इस बेहतर में अपनी बेहतरीन जरूर देते जाइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव दीजिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, फिरोज शाह मेहता थे, हकीम अजमल खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, सर सैयद अहमद खान, ये राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रखते थे। ये 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतया राजभक्त भी रहे। हंटर के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने सैयद अहमद खां को कांग्रेस के विरुद्ध तैयार किया था, शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखा, कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हितैषी रहे सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के प्रबल शत्रु माने जाते थे। उनका प्रोपोगंडा प्रचार प्रसार था कि कांग्रेस हिंदू आधिपत्य पार्टी है। वो कहते थे कांग्रेस क्या है, हिंदू आधिपत्य पार्टी है। क्या कहते थे, कि कांग्रेस हिंदू आधिपत्य पार्टी है, ऐसा कौन कहता था, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता था। हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट करेगा और कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा।
सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। हाँ जल्दी फटाफट कमेंट करिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बढ़ा कर दे रहा हूं, अब आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन फल किसका था, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। सभी साथी देखिए यहां पे क्या क्या चीजें हैं, इसे जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें क्रिप्स के प्रस्ताव को भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं, इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। यह भारतीय जनता की वीरता लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया, कब दिया, इसी समय दिया। ये एक मंत्र है, उन्होंने कहा यह एक मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं, अपनी सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इसे कोशिश में अपनी जान दे देंगे, अपनी गुलामी को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस ऐतिहासिक आंदोलन की एक बड़ी खूबी यह रही, इसके द्वारा आजादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। जी हाँ, पहली मांग बन गई। इसलिए इस प्रश्न में क्या होगा कि सभी लोग ध्यान दें, 1 और 20 पर सही जवाब होगा। ठीक है, यहां पर इसका उत्तर अगर देखेंगे तो ए होगा, मतलब ए और बी ये दोनों गलत है। भड़काया नहीं था बल्कि उन्होंने आजादी के प्रति प्रेरित किया था। अगला है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया था। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइएगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगर आप नहीं बताते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस प्रश्न के बारे में एक अच्छी विशेष ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी ऑफ कैलेमिटी किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से जानने वाली बात है कि इस विषय के इस प्रश्न को आप सभी को ध्यान से समझना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। देखिए उड़ीसा के अकाल को, किसके अकाल को, उड़ीसा के अकाल 1866-67 को प्रकोप का समुद्र, विपत्ति का समुद्र कहते थे, इसे ध्यान से लिखिएगा, इसे विपत्ति का समुद्र सिया कैबिलिटी कहते थे। इस अकाल में अगर ये बात की जाए, इस अकाल में, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मजेदार प्रश्न की सीरीज है जो शायद आपको किताबों में जल्दी मिल ना पाए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नों की तरफ। जी हाँ, इसमें भारत की पूर्वी तट समेत लगभग 1,80,000 मील की दूरी का क्षेत्र आबादी पर ले लिया, सबसे अधिक प्रभावित उड़ीसा हुआ था। अगला प्रश्न आपका, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप प्रतिदिन इलानी दुर्गेश पर सारी क्लास को लाइव देखते होंगे, यकीन मानिए यह प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर आप प्रतिदिन इस सीरीज को देखते होंगे लाइव, तो यकीन मानिए कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएं वो कौन व्यक्ति था जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, अब की बार एक सीट हमार, जी हाँ जूनियर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की एक महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए, आपके साथ, कर हर हर मैदान फतह। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यकीन मानिए यह सीरीज वास्तव में कितनी बेहतर है, कितनी ऐतिहासिक है आपके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। चलिए अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा काम है, एकदम आसान प्रश्न उत्तर है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले प्रतिनिधि थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए फर्स्ट कब हुआ था किसी को पता है? यह 1930 से 31 के बीच हुआ था, ठीक। लेकिन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह हाँ लिखना चाहे, ये 7 सितंबर, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए हमको ना, जो द्वितीय हुआ था यह 7 सितंबर से, 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक हुआ था। लेकिन अगर हम तिथि गोल में सम्मेलन की बात करें कि सर तिथि कब हुआ था, तो यह आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, द्वितीय वाले में गांधी जी ने भाग लिया था, किंतु गतिरोध के कारण वह सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय महत्वपूर्ण है, गोलमेज जो सम्मेलन था इसे 1 दिसंबर 1931 को, 1 दिसंबर 1931 को क्या करना पड़ा? गतिरोध के कारण बंद करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा, और महात्मा गांधी वहां से खाली हाथ वापस आते हैं। कहाँ से? वहां से खाली हाथ वापस आते हैं। इसलिए यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते रहिएगा, मनन करके रखिएगा, क्योंकि आप ही तो हैं रेस के असली घोड़े, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे कि विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या कहां पर है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार नौकरी हमार, क्योंकि एक सीट तो आप ही की है ना इस बार, कोई सी और की नहीं है।
इसीलिए कर हर हर मैदान फतह। जी हाँ, कर हर हर मैदान फतह। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो लोग इस वीडियो को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। किस राज्य में विधानसभा है, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसान होगा। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा के, जी हाँ एकदम आपने सही सुना, सबसे ज्यादा कहां पर है उत्तर प्रदेश में, कितने हैं? 403+1 है। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन ये कहां जिक्र किया गया है? ये अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा है। विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। कम से, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 60, ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है? सबसे ज्यादा है। यह बात आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरी दूसरी बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, यह हो गया कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग जानना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसे आंध्र प्रदेश में 175, कितने? 175 है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 288 है, और पश्चिम बंगाल में आपका 295 है। तो कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर 40-60 से भी कम है? तो जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं, जो लोग इस वीडियो को निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। समझ में आया ना आपको? अगर जिसको समझ में आ गया वाई कमेंट करे, जिसको नहीं समझ में आया वो एन कमेंट करे। निम्न में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलवा वाला प्रश्न है। तो बिना देरी किए जल्दी से फटाक से जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक ग्रामीण सूची का हिस्सा बनाया गया था। किसके? एक ग्रामीण अनुसूची का हिस्सा बनाया गया था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा पूरे देश में आपके मिला था, ठीक? तो यह बात आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है, ठीक? समझ में आया ना आप लोग को? दूसरी बात, यहां पर कौन कौन सा स्तर है? पहला जिला पंचायत, सॉरी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। नगर पंचायत नगर इसके अंतर्गत नहीं आता। जी हाँ, नगर पंचायत जो है वह इसके अंतर्गत या इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। यह बात आप लोग भली भांति और पूर्णतया जानते रहिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में संघीय लोकतंत्र ढांचे के एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे हम बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसका पहला ट्रायल 1959 में 2 अक्टूबर के नागौर जिले से शुरू हुआ था। बाद में से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में इसे कानूनी दर्जा दिया जाता है। कानूनी दर्जा देने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर इसे लागू किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी 3 इकाई है। किसके अनुसार? बलवंत राय मेहता के लिए, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है। जबकि अगर हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो वहां पे हमें नगर पालिका मिलता है। क्या मिलता है? नगर पालिका मिलता है। इसके द्वारा जो अनुसूची है, अनुसूची यहां पर 12 जोड़ी गई, लेकिन इसके लिए जो अनुसूची थी वह थी 11। तो यह बातें आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक?
समझ में आया आप लोग को कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा ना कि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। एक छोटा सवाल है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी इसको वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। चलिए नहीं कमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 24 अप्रैल इज ए राइट आंसर। 24 अप्रैल को यह पूरे भारत में लागू होना शुरू हुआ था, इसलिए इसे प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी। चलिए अगर बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कई अनुच्छेद है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 23 क्या है? आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या है। तो मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम आदि का प्रतिषेध करता है। 23 के द्वारा घोषित अपराध के लिए 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए विधि बनाने शक्ति दी गई है। संसद इसका प्रयोग करके, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 लेकर आता है। इसके साथ साथ तो एक और लेकर आता है, लिख लीजिएगा सभी लोग, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अधिनियम 1986। मतलब अनुच्छेद 23 से अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया है और 35 के अंतर्गत संसद इसे दंड बनाती है। इसी के आधार पर, मान इसके आधार पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत इसे विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद इसी शक्ति का प्रयोग करके 1976 में बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 लाता है। फिर आगे चलकर महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 लेकर आता है। इसलिए यहाँ पर दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग रेस के घोड़े हैं और आप लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो सभी साथी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे हमारे फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश पर निःशुल्क है, चाहे यूट्यूब चैनल इलनी विद दुर्गेश पे, जहां भी लाइव देख रहे हैं यार, वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग। अगर अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दिया ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, कर भला तो हो भला। अगर आपको लग रहा है इससे बेहतर कोई इलनी विद दुर्गेश के अलावा अगर कहीं भी कोई बेहतर पढ़ा दे, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें सभी है जन, आप चाहे जूनियर की चाहे प्राइमरी की, 9:30 बजे क्लास आपकी लाइव चलती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए हम बताते हैं,
देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, केंद्र के पास, जहाँ पे कोई भी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बंटवारे में नहीं आती, वो किसको मिलती हैं, केंद्र को मिलती, किस आधार पर? तो आप कहेंगे सर कौन सा अनुच्छेद है, तो 248 लिख लीजिएगा नोट्स में अगर आप बना रहे हैं। अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद को है। किसको है, संसद को। और संसद कहाँ है, केंद्र में है, जबकि यह अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अपशिष्ट शक्तियों राज्य के पास है। अगर यह अमेरिका होता या ऑस्ट्रेलिया होता तब अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती, राज्य के पास होती, लेकिन इंडिया में केंद्र के पास होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी, लेकिन अपशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषय पर विधि बनाना, कानून बनाना, शक्ति बनाना है जिसका उल्लेख संविधान की सातवीं सूची की किसी भी सूची में न हो। मतलब ध्यान दीजिएगा, संविधान के जो सातवां अनुसूची में जो न हो वही अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार अपशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके कानून बना सकती है। ठीक है, समझ में आया सब लोग को। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में राज्य को है, केंद्र सरकार अनुच्छेद 248 में कौन से विषय पे, जो सातवीं सूची में नहीं है, मैंने जो संघ सूची, राज सूची, केंद्र शासन, ध्यान दीजिएगा इनको तीनों को छोड़कर, दीपो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ध्यान दीजिएगा इन तीनों को छोड़कर जो भी विधि है उसे हम अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, चाहे से आप फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में यदि कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लास आपके जौनपुर जनपद से मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव चलती है। अन्य सभी क्लास टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे PDF, फेसबुक सभी चीज़ें होगा। ठीक, चलिए ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देखा है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। वर्तमान में सरकार ने पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ठीक, क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। यह बात आप सभी एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ध्यान दीजिएगा यह नीति आयोग हो गया, और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट जरूर करिएगा। राष्ट्रीय आय का परिकलन, ये आपके इकोनॉमिक्स के सवाल है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, किस एक को छोड़कर, मतलब यहां पर नकारात्मक प्रश्न है, तीन है और एक नहीं है, तो जल्दी से आपको बताना होगा। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जी हाँ एकदम सही जवाब है, यह एकदम सही बताया। सभी लोग समझ में आ गया, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन सभी प्रकार के बचतों का योग से नहीं होता, सभी निर्गत आय योग से होता है, सभी व्ययों का योग होता है, यहां पर यही नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय आय का जो परिकलन होता है, सभी प्रकार के आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी प्रकार के आयोग के योग के द्वारा किया जाता है, न कि सभी प्रकार के बचतों के द्वारा, बचत यहां पर नहीं होगा। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग से होता है, जो देश के सामान्य निवासी द्वारा घरेलू सीमा चाहे GDP, GNP, NDP, NNP इसके बाहर रखकर उत्पादित की गई, इनमें विदेशों से अर्जित साधन को भी सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न है वो नकारात्मक है। ठीक है, यहां बचत नहीं होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किसी को दिक्कत, कोई समस्या? अगला प्रश्न आपके सामने है, सरकारी शेयरों का निजी स्वामी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी साथी, सरकारी योजनाओं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको कंपनी को बेचना क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब नहीं बताएंगे आपसे तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, अगर हम ये पूछ दिया जाए कि सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है, तो चलिए देखते हैं। उसे हम विनिवेश कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर सही बताया, विनिवेश कहते हैं। विनिवेश क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों अथवा उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना विनिवेश कहलाता है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों उपक्रमों के कुछ हिस्सेदारी शेयरों या बांड के रूप में बेचती है। इस प्रक्रिया के तहत मिलने वाले धन का उपयोग सरकार उस कंपनी को बेहतर बनाने में करती है, इसी अन्य दूसरी योजनाओं में लगाती है। एक आता है विकेंद्रीकरण क्या होता है। अगर आप लोग लिख रहे हो, अगर नोट्स बना रहे हो तो आइए लिखवा देते हैं आपको विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको लिखवा देते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। चलिए ध्यान से लिखते हैं, विकेंद्रीकरण क्या होता है, एकदम आराम से समझिएगा। सत्ता का अनेक व्यक्तियों या इकाइयों में विभाजित होना विकेंद्रीकरण कहलाता है। समझ में आया? अब हम और आगे देखते हैं। दूसरा, निवेश क्या होता है? अतिरिक्त धन या पूंजी, अतिरिक्त धन या पूंजी, अतिरिक्त धन या पूंजी को ऐसी जगह लगाना जहां से अतिरिक्त धन प्राप्ति या आय की संभावना हो, उसे हम निवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निवेश कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां से, कोई समस्या नहीं है ना? कि है वो तो बताइएगा, बताइए सभी लोग, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है ना? ठीक, तब तो आपको और अच्छे समझना चाहिए। अब केंद्रीकरण क्या होता है? यह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियां थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, समुचित देश को उनका आदेश प्रभावी होता है। इसका प्रयोग कुछ राज्यों में ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय निर्माण के रूप में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी होगा। ठीक है, थैंक यू जितने लोगों ने लाइक और शेयर किया है। लाइक करने वाले भगवान उनकी बुद्धि विवेक को ऐसे ही बनाया रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि कितनी थी? बहुत आसान है। अगर भारत की 10 की वृद्धि पूछा जाए तो 17.70 था। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? जबकि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी थी लिख लीजिएगा, 1.64%। इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे बताया ना, वार्षिक भी लिख लीजिएगा और 10 की भी लिख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, समझ में आया सबको? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? और हो तो बताइए सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरी केंद्रों की संख्या क्या थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए। क्या वो नहीं बताएंगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताते हैं तो।
देखिएगा 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को केंद्रों की संख्या कितनी थी? सात थी। सातों का नाम पता है? नहीं पता है, लिख लीजिएगा। पहला मतलब प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा मेरठ, चौथा आगरा, पांचवा लखनऊ, छठा कानपुर शहर, सातवां गाजियाबाद। ये सात ऐसे नगरी नगर हैं जिन्हें जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखा है। बताइए, ध्यान से देखिएगा, सातों का नाम याद रहना चाहिए। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर शहर, गाजियाबाद। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा? शीस का राइट आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूं यकीनन आपके दिल दिमाग दोनों को छू जाता है, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। पैसे नहीं कटेंगे, चाहे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे जहां भी लाइव देख रहे हैं। अगला सवाल आपका है पर्यावरण, क्योंकि मैंने बताया सभी विषय इसमें, इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस, कंप्यूटर, पर्यावरण, संविधान के साथ अर्थव्यवस्था, सब कुछ है इसके अंतर्गत। पर्यावरण के अनुकूलन उत्पादन पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। नहीं बताएंगे आप लोग? चलिए, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है? स्वास्तिक चिन्ह नहीं, दौड़ता बालक नहीं, उड़ता नहीं, लेबल क्या है? मिट्टी का घड़ा। ये डिकम्पोज हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि मिट्टी का घड़ा लेबल है, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह क्या किसी को पता है? अगर कोई इससे मैं पूछूं कि सर स्वास्तिक चिन्ह क्या है तो कोई बता सकता है? जैसे वो स्वास्तिक चिन्ह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन करते हैं। स्वास्तिक का अर्थ होता है अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक एक दूसरे को काटते हुए दो सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी रेखाएं अपने शीरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे ये होता है ये। इसे हम स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया सब लोग को? एकदम तोड़ कर पढ़ा रहा हूं, यकीन मानिए इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं भी लाइव देख रहे हैं। ये निःशुल्क है, राष्ट्रहित में, देशहित में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का सही क्रम कौन सा है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग सभी साथी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप निःशुल्क देख रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयोग करिएगा आप लोग। अच्छा, मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। अच्छा, किसी ने कहा सर उल्टा बना दिया, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? घास को कीड़ा खाता है, मेंढक नहीं। कीड़ा खाता है, कीड़े को बाज नहीं खाता है, बाज को गिद्ध नहीं खाता। घास टिड्डा खाता है, टिड्डे को सांप, सांप को गिद्ध। यहाँ पर क्या है? घास को कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, चिड़िया खाती है, चिड़ियों को बड़े बाज, बाज को गिद्ध। तो यहाँ पर हमने देखा कि घास स्थली परितंत्र में, यहाँ पे देखिए घास स्थली परितंत्र में
जोधारी भोज जो भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं, इसमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी को भोक्ता, अपघटन करता, कवक जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। भक्षण भक्षक या भोज के रूप में संबंधित रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा व रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते रहते हैं और उनमें होते हुए चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जेनियोडर्म शब्द किस प्रजाति की त्वचा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जितने भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग बताइएगा, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जो लोग देख रहे हैं, जेन्यो डर्म ये मंगोलॉयड प्रजाति के लिए होता है। किसके लिए? मंगोलॉयड प्रजाति के लिए होता है। इसमें श्वेत त्वचा या गौर वर्ण शब्द काके साठ प्रजाति के लिए, श्याम त्वचा काला वर्ण के लिए, निग्रहट प्रजाति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अलेक्जेंड्रिया किस देश का बंदरगाह है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अलेक्जेंड्रिया किस देश का बंदरगाह है? सभी साथी कमेंट जरूर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप इसे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। बहुत आसान से, अलेक्जेंड्रिया निम्नलिखित में से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? मिस्र, इसे इजिप्ट कहते हैं। पिरामिडों का देश है ये। नील नदी के डेल्टा पर स्थित बंदरगाह सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र और मिस्र का प्रमुख पत्तन है। अगर हम यहाँ पर कुछ लोग, इटली का प्रमुख बंदर जेनोवा है, इटली का अगर हम देखें तो कौन सा है? जेनोवा है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। ठीक है, अगर हम यूनान की बात करें तो पिराइसा इसका प्रमुख बंदरगाह है, पिराइसा इसका प्रमुख बंदरगाह। और तुर्की का बहुत ही है, हैदर पापा। ये इतने इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। ठीक, समझ में आया? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो वाई, नहीं आया तो फिर ये अनकमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपके सिलेक्शन आपको और नजदीक लेके चलना। क्योंकि मैंने कहा ना, रेस के घोड़े तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब तो रेस के घोड़े हैं, अब तो हमेशा रेस में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और ऐतिहासिक आपके लिए बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे आप इसे यूट्यूब पे, जहाँ भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, दिए गए प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके करिएगा। सभी साथी, बताइए फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर बना है? आइए यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम लोग और अच्छे से जानते हैं। फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है,
किस नदी पर बना है? गेरू नदी पर बना हुआ है। ब्रिटेन का लंदन बंदरगाह टेम्स नदी पर है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए, लंदन बंदरगाह किस पर है? टेम्स नदी पर। ये कौन सा है? लंदन बंदरगाह, ये टेम्स नदी पर है। किस पर है? ये टेम्स नदी पर है। अगर नील नदी की बात की जाए, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 6,650 माने 6,690 किलोमीटर है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। इसकी लंबाई 6,690 किलोमीटर लगभग है और ये अफ्रीका की है। सतलज नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो ये मानसरोवर झील के राकस ताल में है। यह नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक, ये शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी की ऐतिहासिक और मैराथन क्लास है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। कनाडा का औद्योगिक शहर जो कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है। सभी लोग चाहे से फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी लाइव देख रहे हैं, ठीक, ठीक है, चलिए। कनाडा का प्रौद्योगिक शहर कहां पर है? ओटावा तो इसकी राजधानी है। एक बात, ओटावा क्या है? इसकी राजधानी है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न का उत्तर ओटावा ही होगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। यह औद्योगिक शहर है जो कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन जो कुछ लोग बता रहे हैं, हैमिल्टन कनाडा का वर्गीयम शहर है। ये कनाडा का क्या है? वर्गीयमन शहर है। ये कनाडा का वर्गीयम शहर है, जो किसके लिए? लो इस्पात के लिए। लो इस्पात के लिए, ठीक है। अगर वैंकूवर कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी कनाडा में ही है। ये भी कहाँ है? कनाडा में है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका के लॉरेंस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क शहर के पास तीसरा सबसे बड़ा फिल्म निर्माण का क्षेत्र है। इसे उत्तरी का हॉलीवुड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तरी का हॉलीवुड कहते हैं। वैंकूवर को हॉलीवुड कहते हैं। टोरंटो भी कनाडा में है। ये भी किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। ये भी ऑटोमोबाइल के लिए ही प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ पे है? कनाडा में ही। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। ओटावा राजधानी भी है। क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया ना? चलिए, क्लियर हो रहा है ना? वीडियो को शेयर जरूर करिएगा यार, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे। अपने 10-10 साथियों को प्रतिदिन जोड़िए। अगर आप चाहते हैं क्लास लंबी चल, वरना 10 क्लास के बाद हम बंद कर देंगे अगर आप लोगों को इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। डेनमार्क का कोपेनहेगन नगर प्रसिद्ध है, तो पहले डेनमार्क की राजधानी बताइएगा सभी लोग। देखिए, अगर हम डेनमार्क की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये होगा डेयरी उद्योग। क्या होगा? डेयरी उद्योग होगा। एक एक करके जानते हैं। चलिए देखिए, यहां पे क्या होगा? जैसे कुछ लोग बता रहे हैं हीरा पॉलिस, तो हीरा पॉलिस क्या है? एमस्टर्डम। एमस्टर्डम, एमस्टर्डम कहां पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में, ठीक है। रेशम उद्योग, अगर रेशम उद्योग देखा जाए तो मिलान। मिलान कहां पे है? इटली में। मोटरसाइकिल, तुरीन, ये कहां पर है? इटली में है, ठीक। डेयरी उद्योग, डेनमार्क का कोपेन है। डेनमार्क का कोपेन है। सबको क्लियर हो गया? चारों विकल्प क्लियर हुआ? देखिए, मेरा उद्देश्य चारों विकल्प को विस्तृत व्याख्या करना। आराम आराम से पढ़िए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सिलेक्शन लेने वाले ही पढ़े, बाकी के लिए वीडियो काम का नहीं है।
चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती? यहां पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहां पे प्रश्न जो है, ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए एक मैप बनाते हैं भारत का, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, माना ये भारत भारत है। अब यहां पर प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि किसे छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, इसको एकदम अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, क्योंकि जो तमिलनाडु है ना, यहाँ पे लौटते मानसून से वर्षा होती है, बाकी राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब में ये दक्षिण पश्चिम से होती है। अगर आप कहें इसको हम अच्छे से व्याख्या कर दें, देखिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक होता है लौटता मानसून, जिसे हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? इसका जो उद्गम होता है ये आपके भूमध्य सागर के पास ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका महाद्वीप के बीच पति चक्रवात के रूप में जन्म लेता है, और शीत ऋतु के समय यह पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ता है। जब यह यहाँ पे पामीर की गांठ के पास पहुँचता है, पामीर की गांठ के पास पहुँचता है, ये दो शाखाओं में टूट जाता है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ ये पर्वत की तीन सीरीजों में चला जाता है। तीन सीरीज में जाने के बाद जो पर्वतीय राज्य है, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, जो पर्वतीय राज्य है, जैसे आपका जम्मू, फिर हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर खूब ज़्यादा बर्फबारी होती है, हिमपात होता है। लेकिन यह जब जब यह आगे के अन्य राज्यों में बढ़ती है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये खूब बूंदाबांदी करती है। इसका प्रकोप 14 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक होता है, और जब ये हिमपात के रूप में गिरता है तो पूरे उत्तर भारत में खूब शीतलहरी का आगाज होता है। क्या होता है? शीतलहरी का आगाज होता है, इसे हम लौटता मानसून के नाम से जानते हैं। और फिर ये आगे बिहार साइड में पहुंचने के बाद इसकी लगभग वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा कम होने के बाद ये सीधा पूर्वोत्तर भारत में जाता है, यहाँ अराकन योमा से टकराने के बाद ये दक्षिण में घूम जाता है, फिर इसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में कुछ जलवाष्प मिलता है, फिर लाने के बाद ये आपके कहाँ वर्षा करती है? तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु में पछुआ विक्षोभ या लौटते मानसून से वर्षा होती है, लेकिन कभी कभी ये लौटता मानसून राजस्थान में पहुंच जाता है, तब इसे हम मावठ कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, इसमें घनघोर वर्षा नहीं होती, इसमें बूंदाबांदी होती है या हिमपात होती है। बूंदाबांदी 3 से 4 दिनों तक होती है, बिजली कड़कड़ाहट होती है, ठीक है, और टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरता है, जिसे हम कहते हैं कि मानसून वापस आ गया, लौटता मानसून कहते हैं, और शीतलहरी का इससे आगाज होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मैं शॉर्टकट में बताया, वैसे बहुत लंबी थ्योरी थी, तो अगर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रतिदिन 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मोबाइल लगा लीजिएगा लाइव आने का, ठीक है, 9:30 बजे, 1-2 मिनट आगे पीछे होगा, लेकिन सभी लोग आ जाइएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग चाहे आप इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहाँ पे निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सभी का उद्गम स्थल क्या होगा, कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है यार मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है तो इतना सपोर्ट करिए, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊं, और अच्छे से वीडियो बनाऊं, मैं और लंबी क्लास लूं। ठीक है, देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें और गंगा, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है और गंगा यहाँ से निकलती है, मतलब दोनों अलग अलग है। ठीक, ताप्ती और ब्यास, ब्यास नदी अलग और ताप्ती अलग, ठीक है, ताप्ती यहाँ और ब्यास यहाँ, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये भी गलत। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा, सिंधु यहाँ से गंगा यहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लगभग एक ही जगह से मानसरोवर झील के पास राखस्थल से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकल, देखिए मैं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, यकीन मानिए इससे बेहतर क्लास यूट्यूब पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है,
इसका नाम होता है सांगपो। क्या होता है? सांगपो। सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब देहांगार से, तब इसका नाम हो जाता है देहांग नदी। यहाँ पे सांगपो नदी, यहाँ पे देहांग नदी। फिर धीरे धीरे असम में जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जानते हैं। फिर और आगे निकलती है, फिर इसे हम जमुना नदी कहते हैं। कौन सा? जमुना नदी कहते हैं। इधर से यह पद्मा से मिलती है, इधर से बराक, तब इसके संयुक्त धारा को हम मेघना नदी कहते हैं। कौन सी नदी? मेघना नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के इतने नाम हैं। ये क्या थे? ब्रह्मपुत्र के इतने नाम हो गए। अगर आपको समझ में आ गया तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? अच्छा, सिंधु नदी भी यहाँ से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर आगे बढ़ती हुई यहाँ से पंचनद आती है, मुल्तान में मिलती है, ठीक है? ये भारत के काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से गुजरती है, ठीक है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के गंगोत्री से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले से निकलती है, मुल्तानी नामक स्थान के सतपुरा श्रेणी से। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी जो है सतलज नदी की सहायक नदी है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ये जौनपुर जनपद से आपके लिए निःशुल्क क्लास चलती है। आप इसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज ई लर्निंग पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग पे दुर्गेश है। गंगा नदी भी कहें तो पढ़ा दें, लेकिन नदी के लिए छोड़ के रखिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है। क्या आप लोग कल 9:30 बजे लाइव रहेंगे? निम्नलिखित में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर, जहां भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा तेजी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चंबल नदी को कहते हैं। देखिए चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे नदी निकलती है, ऐसे ऐसे निकलते हुए अध्यारोपित प्रतिरूप का निर्माण करती है। और पता है ये सूख जाने के बाद जो धारा प्रवाहित होती है इसे अध्यारोपित या पूर्वारोहित नदी कहते हैं। इसे पूर्वारोहित नदी भी कहते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इसे हम और ये अपवाह क्षेत्रों में जब बहती है तो ढालों पर बहते हुए काट देती है। तो यहाँ पर जैसे ये निकल रहा है, गर्मी में सूख जाता था, जब सूख जाता था इसमें डाकू रहते थे, इसे हम कहते थे चंबल के डाकू। क्या कहते हैं? चंबल के डाकू कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम मैप बना दे रहा, अच्छा ठीक है, माना हमारा भारत है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, यहाँ मालवा का पठार हो गया। तो ये मालवा पठार ढाल जो है ये उत्तर की तरफ है, तो ये नदी कहाँ उत्तर की तरफ भागती है? तो ये पूर्व की तरफ भागती है, इसे पूर्वारोहित कहते हैं। और ये भागते समय क्या होती है? खड्ड का निर्माण करती है। किसका? खड्ड का निर्माण करती है, जिसे हम और खड्ड के निर्माण करने की वजह से इसे यहाँ पे चंबल के डाकू होते हैं, इसलिए यहाँ पे चंबल घाटी है। चंबल के डाकू आप लोगों ने सुना होगा, तो यहीं से, ठीक है, चंबल डाकू कहाँ से? यहीं से, ठीक। किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक करके रखिएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन है और एक नहीं है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए ब्राजील की जो धारा है ना, ब्राजील की धारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक की महासागर है। अग्लुहास हिंद महासागर इंपॉर्टेंट, लेकिन जो हम्बोल्ट की धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं है। हम्बोल्ट, इसे हम पेरू की धारा भी कहते हैं, इसे हम पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं। यह प्रशांत तो महासागर उत्तरी की जगह दक्षिणी होगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर से यह धारा निकलती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से निकलती है, ठीक, आंध्र महासागर से निकलती है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी इसका जो गलत है वही
सही होगा, क्योंकि यहां पे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगर इससे बेहतर अगर आपको लग रहा है कि कोई पढ़ाएगा तो भैया नो डाउट, हाँ पढ़ सकते हैं। अगला, मिश्रित ज्वारभाटा किसे कहते हैं? तो जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का लाइव जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, मिश्रित ज्वारभाटा किसे कहते हैं? जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी इस वीडियो को निःशुल्क लाइव आप देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा। क्या हुआ, जवाब नहीं देंगे क्या? हाँ चलिए, आइए इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ। ये दैनिक, अर्धदैनिक, ज्वारभाटा, मिश्रित का क्रम होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी साथी, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो लोग लाइव देख रहे थे, मिश्रित ज्वारभाटा किसी भी स्थान पर प्रत्येक दिन बार बार आने वाला ज्वारभाटा, मैं अच्छे से समझा दूंगा लेकिन आपकी संख्या बहुत कम है और मैं पूरा समझा देता। यहाँ पे दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। यह ज्वार ज्वार के दो केंद्रों का कारण होता है, दोनों ज्वारों की ऊंचाई जो होती है दोनों भाटा की ऊंचाई के समान होती है। मिश्रित ज्वारभाटा क्या होता है? अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को हम मिश्रित ज्वारभाटा कहते हैं। दिन में दो ज्वार आते हैं परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसको बढ़िया मैप पे समझाते हैं, लेकिन आप लोग की संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है। चलिए अगला है, डेटम रेखा क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, डेटम रेखा क्या है? देखिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप 6306344367 पर जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित हो रही है, जो आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डेटम समुद्रतल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। आइए इस विषय में और जानने का प्रयास करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ये 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व तरफ जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा चाहे जहाँ भी देख रहे हैं, इसका सही था। अगला है, किसी वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के लिए कहा जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, मैं यहाँ पे आपके कुछ काम की चीज़ें लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, लिंक इसमें दिया गया, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं नए साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे। दुर्गेश सर सर्च करना होता है बिना स्पेस के, और ई लर्निंग भी दुर्गेश जुड़ जाएंगे जहाँ पे सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा। आइए देखिए, हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के सबसे पास का जो मंडल होता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे हम ट्रोपो स्पेयर के नाम से जानते हैं, और इसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान, बादल, कोहरा, हिमपात, ओला, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं सब इसी मंडल में घटती हैं। जैसे अभी बारिश हो रही है, अचानक बारिश होते होते क्या होती है, हम देखते हैं तुरंत धूप आ जाता है, धूप में बारिश होने लगती है, कहते हैं बनरा बनरी की शादी हो रही है, सियार सियारनी की शादी हो रही है, तो ये तुरंत बदलता है। या इस मंडल पे ऊंचाई पर बढ़ते हैं, जब हम 165 मीटर ऊपर बढ़ते हैं तब इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। माने ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम इसके तापमान में गिरावट दर्ज करते हैं। दूसरा, अचानक मौसम परिवर्तन या मौसम संबंधी घटनाएं केवल क्षोभ मंडल में घटती हैं, इसलिए हम इसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं।
जितनी भी इसकी अगर औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, इसकी सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई की हम बात करें, जैसे हमारा 0 T हो गया या 0 डिग्री हो गया, मतलब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे ऐसे है, माने इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर मानी जाती है 18 किलोमीटर और यहाँ पे ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 13 किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 13 किलोमीटर है। दूसरा समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, इसे मेसोस्फीयर कहते हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर होता है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल, जिसमें हम सभी आयन मंडल की बात करें तो रेडियो तरंगे जितनी भी होती है वो आयन मंडल में होती है, इसमें सबसे नीचे डी लेयर होता है, इसमें दीर्घ तरंगे होती हैं E1, E2, F1, F1, लघु तरंगे परावर्तित करते हैं, इसमें टेलीविजन, रेडियो, रडार आदि चलते हैं, ठीक है। समताप मंडल वायुयान उड़ने के लिए होता है, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसमें ओजोन परत, ओजोन गैस पाई जाती है, इसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। जरा कमेंट करके बताइए सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बेहतर क्लास आपके लिए लाइव चलती है, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपके लिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, अब वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है। वायुयान को उड़ने के लिए समताप मंडल है, रेडियो तरंगों के लिए आयन मंडल है, पूरे पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल है। अच्छा ये बताइएगा, उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड जो है किस मंडल में आकर ज्वलित होता है, देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। वीडियो को शेयर करिएगा, ये आज क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। कर हर हर मैदान फतह, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश मेरी भी आईडी है, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। कोई सवाल नहीं है ना आपका, अगर हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, उल्का पिंड जो जलता है मध्यमंडल में, मध्यमंडल में उल्का पिंड आकर जल जाता है, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको तो नहीं है ना, बताइए। आगे बढ़े तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। अब की बार एक सीट हमार, अब की बार नौकरी हमार। क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद अंत तक बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।